सोलहवें दिन ढेर को फिर खोल दी जाती है और अच्छी तरह पलटाई की जाती है। सोलहवें दिन भी बारहवें दिन की तरह जिप्सम की बाकी मात्रा मिला दी जाती है। जिप्सम को अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर ढेर बना दी जाती है। बीसवें दिन फिर ढेर को खोल दी जाती है और इसे अच्छी तरह फर्श पर फैला देते हैं। फैलाने के पश्चात कंपोस्ट में अगर कीड़ा मकोड़ा नजर आए तो कोई भी कीटनाशक दवा जैसे एंडोसल्फान 2 मिलीलीटर, कोई भी बीमारी दिखाई दे तो कोई भी फफूंदी नाशक दवा जैसे डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कंपोस्ट पर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के बाद कंपोस्ट को अच्छी तरह मिलाते हैं और फिर ढेरी बना लेते हैं। चार दिनों के बाद कंपोस्ट बीजाई या स्पॉनिंग के लिए तैयार हो जाता है। कंपोस्ट तैयार हो जाने पर कंपोस्ट का रंग गहरा भूरा हो जाता है और कंपोस्ट से अमोनिया की गंध बिल्कुल चली जाती है। तैयार कंपोस्ट को ट्रे में भर दी जाती है। ट्रे के अलावे पॉलिथीन बैग में भी कंपोस्ट भरी जा सकती है। कंपोस्ट ट्रे में भरने के बाद बटन मशरूम के स्पॉन को ट्रे में भरे हुए कंपोस्ट पर समान रूप से फैला दी जाती है। स्पॉन फैलाने के बाद कंपोस्ट की एक परत पुनः स्पॉन को ढकने के लिए ट्रे पर फैला दी जाती है। पुराने अखबारों को ट्रे के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि ट्रे अच्छी तरह से ढक जाए। ट्रे में कंपोस्ट भर देने के पश्चात उन्हें मशरूम उत्पादन कक्ष में ले जाते हैं। मशरूम उत्पादन कक्ष में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास और नमी 80% होनी चाहिए। नमी की जांच कमरे में हाइग्रोमीटर के साथ लगी हुई चार्ट को देखकर करते हैं और तापमान हाइग्रोमीटर के ड्राई बल्ब को देख करके की जाती है। सभी भरे हुए ट्रे को मशरूम उत्पादन कक्ष में रैक पर रखे जाते हैं। ट्रे अगर कम हो तो कंपोस्ट को फर्श पर भी बिछाई जा सकती है। अखबार से ढके हुए सभी ट्रे पर स्प्रेयर के जरिए प्रतिदिन पानी स्प्रे की जाती है ताकि
बाकी ट्रे में भरे हुए कंपोस्ट की नमी बनी रहे। यदि आवश्यकता हुई तो दिन में स्प्रे 2 या 3 बार की जा सकती है। उत्पादन कक्ष में ट्रे रखने के बाद ही केसिंग मिट्टी बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। केसिंग मिट्टी कंपोस्ट यार्ड के फर्श पर बनाई जाती है। केसिंग मिट्टी तैयार करने के लिए 1 साल पुरानी गोबर, बालू, महीन मिट्टी, चूना और फॉर्मल्डिहाइड की जरूरत पड़ती है। केसिंग मिट्टी बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां यानी गोबर जो कि 1 साल पुरानी हो, बालू, मिट्टी और चूना अच्छी तरह मिला ली जाती है। केसिंग मिट्टी का पीएच यदि 7.5 से कम हो तो केसिंग मिट्टी के मिश्रण में चूना मिला दिया जाता है और चूना मिश्रण करने के पश्चात पीएच पेपर की मदद से पीएच की माप की जाती है। केसिंग मिट्टी के निर्जीवीकरण करने के लिए 0.5 घन मीटर केसिंग सामग्री के लिए 10 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर फॉर्मल्डिहाइड मिलाई जाती है और इस घोल को ढेर के ठीक बीचों बीच डाल ली जाती है। फॉर्मल्डिहाइड की घोल डालने के पश्चात ढेर की मिट्टी को ढक दिया जाता है और से पॉलिथीन शीट भी चढ़ा दी जाती है। इस अवस्था में केसिंग मिट्टी की ढेर को 48 घंटे तक रखते हैं, जिससे केसिंग मिट्टी की अच्छी तरह से निर्जीवीकरण हो जाती है। बाद पॉलिथीन शीट हटाकर केसिंग मिश्रण की पलटाई की जाती है। लगभग 2 हफ्ते में फॉर्मल्डिहाइड की गंध पूरी तरह